जब कोई महिला होती है तो उसकी अपनी एक जंग शुरू हो जाती है, जब कोई दलित होता है तो उसको एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ती है, कोई मुसलमान बैकग्राउंड से हो तो उसको एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत बहुत ज़्यादा एक कास्ट विशेष का दबदबा है। जब आपकी आइडेंटिटी रिवील होती है, जब जाति के बिना पे लोग बात करते हैं तो वो आपको कास्ट कमेंट्स भी करते हैं, फिर वो आपको आप कैसी दिखती हैं उस पर भी कमेंट करते हैं, फिर आप किस धर्म से आते हैं उस पर भी कमेंट करते हैं। वो चाहते हैं कि आसपास उसी जाति के लोग रहें। आप जिस जाति से आते हैं उस जाति को डिस्कशन करने में भी दे आर लाइक, उनको उस चीज़ का महसूस होने लग जाता है कि भाई ये कुछ अलग प्राणी है, ये तुच्छ प्राणी है, ये इससे बात नहीं करनी या इससे करनी है, इनके साथ खाना खाना है, इनके साथ नहीं खाना है। कूट कूट के मीडिया में कास्ट भरी पड़ी है। उनसे बात करिए आप अपनी कास्ट आइडेंटिटी के साथ एंड देखिए नजारा, फिर आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ खड़े हैं 21वीं सदी में। ये लोग हैं जो मीडिया की बात कर रहे हैं, ये लोग हैं जो देश की बात कर रहे हैं, ये चलाएंगे देश को। जब जाति पे वो बेहुदा चुटकुले सुनाते हैं, जब जाति पे बेहुदा बातें करते हैं, वो फलां इस जाति से आता है उसकी कहावतें सुनाते हैं, फलां के साथ खाना है उसके साथ नहीं खाना है, ऐसी बातें करते हैं, तो बड़ा तकलीफ होती है कि कहाँ हैं हम। और मीडिया में आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कितने बड़े बड़े शो बना लें आप जातियों की समानता पे या धर्म सौहार्द पे, पर अंदर वो चीज रहती है लोगों के। अगर आप किसी जाति विशेष से आते हैं तो आपको वैसे पीछे कर दिया जाएगा, क्योंकि एक 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 तबके का वर्चस्व है, वो चाहते हैं कि उन्हीं का एक वर्चस्व बना रहे, तो वो आपको नोइंगली पीछे रखना शुरू कर देंगे। कुछ स्टीरियोटाइपिंग होती है मीडिया में, कैसे लुक्स होने चाहिए, कैसे बाल होने चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, इस तरह की स्टीरियोटाइपिंग बहुत होती है। आपका कलर फेयर होना चाहिए। आप जब मीडिया में काम कर रही थी तो इस तरह के अनुभव हुए क्या कि रंग को लेके, आपके चेहरे को लेके, बॉडी को लेके कुछ इस तरह की बातें हुई हों? साड़ी पहनी है, अरे तो दूरदर्शन टाइप लुक हो जाएगा। तो वो इस सोच वाले लोग बहुत हैं, वो केवल आपको देख के ही अंदाजा लगा लेते हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। बड़ी कमाल की बात है, दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि है उनके पास, दे नोज व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कांट। लुक्स पे, अपीयरेंस पे जम के छींटा कशी करते हैं लोग। सबको लड़कियां एंकर चाहिए, लड़के किसी को नहीं चाहिए। लड़कों के ऊपर घनघोर संकट है मीडिया में। वो बेचारे मेल एंकर्स इतने तकलीफ में हैं बिकॉज उनको नौकरी नहीं है। खास तरह की पोशाक पहनने के लिए, इसी तरह के कपड़े पहनो, इसी तरह का लुक लेके आओ, इसके लिए भी प्रेशर डाला जाता है। मैं लास्ट एक चैनल में थी, वहाँ पे एक जो वहाँ के आउटपुट हेड थे उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप फ्रेश फेस हैं, आप मॉर्निंग शो में आइए और मॉर्निंग में लोग कुछ अच्छा देखना चाहते हैं। He said, अच्छा देखना चाहते, कंटेंट देखना चाहते हैं कि चेहरे अच्छे देखना चाहते हैं। आप शॉर्ट्स पहनिए, है ना, है ना, तो वो अच्छा लगेगा ऑन स्क्रीन। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, अरे थोड़ा जोर लगा के बोलिए, आप तो बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। वॉर रशिया यूक्रेन का हुआ है यार, वॉर संवेदनशील चीज है, वॉर हल्ला मचाने का चीज नहीं है। पूछिए रूस से, पूछिए यूक्रेन से, ये फलां चैनल नहीं बताएगा कि वॉर को कैसे पोर्ट्रे करना है। पूछिए उन बच्चों से जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए, पूछिए उन महिलाओं से जिन्होंने अपने पति खो दिए। वॉर जैसी सिचुएशन को आप क्या, मुझसे क्या चाह रहे हैं कि मैं यहाँ तीर तलवार लेकर खड़ी हो जाऊँ? क्या मीडिया में जो महिलाएं हैं, पत्रकार महिलाएं हैं, उनके लिए सुरक्षित माहौल है ग्रो करने का, अपना करियर बनाने का, वहाँ पर अच्छे से सेटल होने का? क्या उनके लिए अच्छा माहौल है या फिर महिला होने की वजह से कुछ चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती हैं? सुरक्षित माहौल है उन लोगों के लिए है जो जिनकी जान पहचान है। अच्छा, जेंडर की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर महिला होने का बहुत फायदा मिलता है मीडिया में, लेकिन अच्छा। महिला होने का उतने नुकसान भी मिलता है। फायदा उन्हीं को मिलता है जो किसी जैक से गए हैं, जिनके पास खुद का कंटेंट नहीं है बट स्टिल वो किसी के अपने चाहते हैं। चहेतों को हर जगह फायदा मिलता है, वरना आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा हर तरीके से। क्या बैरियर्स आपको नजर आते हैं कि क्या दलित पत्रकारिता के स्कूलों में नहीं जा रहे, जर्नलिज्म की डिग्री नहीं ले रहे, या उनको एंट्री नहीं दी जा रही, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, और दलितों की कम भागीदारी को कैसे देख रही है? क्या वजह है कि वो मीडिया में विजिबल नहीं है, नजर नहीं आते? जब एक कम्युनिटी विशेष का दबदबा होगा तो दे वॉन्ट कि उनके इर्द गिर्द वही लोग रहे, फिर क्यों आप
किसी शेड्यूल कास्ट को आसपास देखना चाहोगे? क्यों चाहोगे कि वो आपके यहाँ पर काम करें? जब आपको अपनी ही जाति का परचम फहराना है तो दे वांट कि उनके आसपास उसी के उन्हीं के लोग रहें। जय भीम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए शो में जिसका नाम है पॉडकास्ट। और चूंकि पॉडकास्ट स्टाइल के वीडियोस आजकल आप खूब पसंद कर रहे हैं, इसलिए हमने खास तौर पर इस नए शो की शुरुआत की है। और इस शो में हम जाति से जुड़े मसलों पर, विचारों पर, संघर्षों पर, अपनी एक यात्रा पर, तमाम चीज़ों पर बात करने वाले हैं, जिसमें अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण होगा और बहुजन समाज की तमाम समस्याओं को, उनके मसलों को हम अपने पॉडकास्ट शो में उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ इस शो में सोनल दहिया हैं, जो कि टीवी की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। सोनल दहिया कई बड़े प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल्स में, राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स में एंकर कर चुकी हैं। आप इंडिया न्यूज़ में रही हैं और वहाँ पर सीनियर एंकर के तौर पे काम किया, न्यूज़ नेशन में काम किया और भारत 24 नाम का एक चैनल है वहाँ पर भी काम किया। और उस मीडिया में एक दशक से लंबा इनका जीवन है जो पत्रकार के तौर पर, एक एंकर के तौर पर इन्होंने अपने आप को साबित किया। लेकिन अब सोनल दहिया मनुस्ट्रीम मीडिया को, आप उसको मेनस्ट्रीम मीडिया कहते हैं, हम लोग उसको मनुस्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसको छोड़ के अपना एक नया अपना न्यूज़ वेंचर शुरू कर रही हैं जिसका नाम है द चबूतरा। चबूतरे पर जिस तरह से लोगों का जुटान होता है और वहाँ पर वो तमाम मसलों पर चर्चाएं करते हैं, तो सोनल उसी तरह से एक ऐसा मंच लेकर आई है जिस पर वो अपने नज़रिए से खबरों को करना चाहती है। तो हम सोनल से बात करेंगे, जानेंगे कैसे उनकी यात्रा रही और क्यों नौकरी छोड़कर अपना मीडिया शुरू करना पड़ा, और जाति के सवाल पर भी हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो सोनल, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नया शो है पॉडकास्ट, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सुमित भाई, और आपको बहुत बहुत बधाई, आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और आज एक नई शुरुआत इस शो के जरिए हो रही है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सोनल। एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको जानता हूँ और आपके काम की हमेशा मैं तारीफ करता रहा हूँ। मैं सामान्य तौर पर जब भी आपसे बात होती है तो कहता हूँ, यार आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और तमाम चीज़ों को हम देखते रहे। एक लंबा करियर रहा आपका मीडिया में, लेकिन अचानक से मीडिया में अपनी एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब को छोड़ देना, एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल को छोड़ देना और फिर अपना एक नया वेंचर शुरू करना, क्या कुछ हुआ, क्या घटनाएं हुई कि अचानक ये फैसला लेना पड़ा? सुमित भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का एक समय होता है। आपके भीतर वो चीज़ बहुत समय से चल रही होती है, कुछ विचारों की उधेड़ बुन होती है और आपको लगता है कि अब एक बदलाव का समय है। कुछ मौके ऐसे आ जाते हैं, कुछ वाकया ऐसे हो जाते हैं जो आपको लगता है कि ये राइट टाइम हो सकता है उस चीज़ के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि टीवी मीडिया जो है ना, वो आपके टैलेंट के साथ 100% जस्टिस नहीं करता है। आपके भीतर बहुत कुछ होता है जो वो निकाल ही नहीं पाते। आप 10-10 साल वहाँ पर करियर अपना दे चुके होते हैं, टाइम दे चुके होते हैं, बट स्टिल यू विल रियलाइज कि बहुत कुछ है जो आपके भीतर अभी भी है। उस क्रिएटिव लाइफ के लिए, उस एक सृजनात्मक सोच के लिए मुझे ऐसा लगता है उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। आप क्रिएटिवली सोचना बंद कर देते हैं, तो वो एक प्रोसेस बहुत समय से चल रहा था दिमाग में, बहुत वक्त से एक बदलाव की गुंजाइश भीतर कुछ महसूस हो रही थी मुझे कि कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ और बेहतर हो सकता है। और वो हालात कुछ इस तरीके के बने, अभी समय आते आते कुछ विधानसभा चुनाव आ रहे थे, आपको लग रहा है मीडिया किस तरीके से काम कर रहा है आज के समय में, मुझे लगा कि इलेक्शन है, एक अच्छा हमारा समय है कि मैं ग्राउंड पे जाके लोगों से बातचीत करूं, उनके मन की बात करूं, ना मैं उस पार्टी की करूं ना इस पार्टी की करूं, मैं जन की बात करूं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम पॉसिबल हो पाता है टीवी मीडिया में आज के समय में, कि आप आम आदमी का मुद्दा उठा रहे हैं, आम आदमी की बात कुछ सेलेक्टिव लोगों की खबरें करो, उन्हीं की दिखाते रहो, दिन भर टीवी पर वही चलेगा, बिल्कुल जनता से जुड़े हुए मसलों को थोड़ा साइड कर दिया जाता है, बिल्कुल। और आपने जिस तरीके से जिक्र किया चबूतरा का, मैंने उसको नाम वही दिया, चबूतरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म में, भाई आप गांव देहात में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ताश खेलने वाले लोग आपको वहां मिलेंगे, बच्चे वहां पर आपको खेलते मिलेंगे, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेसिकली जहां से आपके का डिस्कशन होता है, चिंतन होता है, तो वो उसी प्लेटफॉर्म को मैंने कोशिश करी कि मैं उसको एक नाम दे पाऊं और मैं जनता की बात कर पाऊं, लोगों की बात कर पाऊं, जो कि आज के टीवी मीडिया में मिसिंग दिखता है। लेकिन सोनल, जैसे जब, क्योंकि आजकल हम भी डिजिटल मीडिया में, और मैं पत्रकार भी रहा हूं, संस्थान में भी काम किया जहां से आपने काम किया है, तो अनुभव कुछ ना कुछ मिलते जुलते रहेंगे, तो वो छटपटाहट महसूस मैं भी कर रहा हूं एक पत्रकार के तौर पर। मैं जब मीडिया में आना चाहता था तो एक कहें कि एक ऐसा सपना था कि हम वहाँ जाके अपने आप को प्रोफेशनली एक अच्छा पत्रकार साबित करेंगे, कि
चलो क्रांति तो नहीं होगी लेकिन हम नायक फिल्म देख के आए हैं, उसमें जो है वो एक व्यक्ति जो जर्नलिस्ट होता है वो कैसे मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करता है, और वो एक छवि थी कि हम पत्रकारिता से कुछ बदलने वाले हैं, कुछ अच्छा काम करने वाले हैं। क्या वो सपना टूटा मीडिया में जाके, या आप अपने प्रोफेशनली अपने आप काम को अपने आप को जस्टिफाई कर पाए कि नहीं यार मैं पत्रकार बनने आई थी और मैं पत्रकार अच्छी बन गई, मैंने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया? बिल्कुल सुमित भाई, बहुत ज़रूरी सवाल आप कर रहे हैं। मैं एक पत्रकार की बेटी हूँ, मेरे पिता ने अलग अलग न्यूज़पेपर्स में काम किया है, बहुत ईमानदार पत्रकार वो रहे हैं, आज भी वो एक सरकारी अफसर है लेकिन उनके भीतर का पत्रकार जिंदा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जो मेरे पिता को मैंने पत्रकारिता करते देखा उस छवि को लेकर मैं चली टीवी मीडिया की तरफ। लेकिन धीरे धीरे भाई चीज़ें बदलती चली गई वक्त के साथ, बहुत परिवेश और पूरा एक कहेंगे स्ट्रक्चर जो है ना वो मीडिया का, वो पूरी तरीके से अब बदल चुका है। तो जो वो झोला उठाए हुए पत्रकार, जिस मूवी की आप बात कर रहे हैं, जिस बेबाकी की आप बात कर रहे हैं, जिस पैशन की आप बात कर रहे हैं, वो पैशन मिसिंग है। वो जील अगर लोगों के भीतर बची भी है तो वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ी आयरनी है कि जिस प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ, जिस पे आम जन का भरोसा होना चाहिए, वो आज क्रेडिबिलिटी के संकट से जूझ रहा है। तो कहीं ना कहीं सपना तो टूटा है सुमित भाई। जब आप मीडिया की छवि देखते हैं, आउटर लोगों से जब बातचीत करते हैं और वो मीडिया को जिस नजरिए से देखते हैं, तो से तकलीफ तो एज अ जर्नलिस्ट होती है, लेकिन हमने अपने भीतर के पत्रकार को जिंदा रखा, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक खुशी की बात भी है कि कितने भी अंधेरे आए हमने अपना दिया जलाए रखा, तूफान आए हमने अपना दिया जलाए रखा, ये हमारे लिए एक खुशी की बात है। और उसी का एक कहीं ना कहीं नतीजा है कि मैंने अपना चबूतरा शुरू किया टीवी मीडिया से निकल के। मुझे लगा कि अब आम आदमी की बात होनी चाहिए और मैं उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रही। हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, सोनल आप भी एक उदाहरण है, मैं भी एक उदाहरण हूँ, और मैं ऐसे तमाम कई लोगों को जान रहा हूँ जो जिन्होंने पेशेवर पत्रकारिता शुरू की, चैनलों में, अखबारों में या बड़ी वेबसाइट्स के साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन 5 साल 10 साल आते आते वो या तो वो नौकरी से निकाल दिए जाते हैं या फिर वो छोड़ के अपना काम शुरू कर देते हैं। इसकी क्या वजह लग रही है कि जो वाकई में ईमानदार पत्रकारिता करना चाहते हैं वो इस मीडिया में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, छटपटाहट में या उनको निकाल देते हैं या वो खुद काम छोड़ देते हैं, इसकी क्या वजह देखते हैं? भाई प्रैक्टिकली मैं अगर बात कहूँ तो ये मेरे लिए पॉसिबल इसलिए हो पाया कि कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे सिर पे नहीं थी। ईमानदारी से अगर मैं जवाब दूं, कई बार क्या होता है कि आपके भीतर बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आप छटपटाते हैं, आपको तकलीफ महसूस होती है लेकिन आप चुप रहते हैं। आपको घर की EMI देनी है, आपको बच्चों की फीस देनी है, आपके ऊपर घर के खर्चे हैं, ये खर्चे आपको फिर आपकी जो छवि है जो आपके भीतर दबा हुआ है उससे कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए मजबूर कर ही देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एन यूथ, अगर मैं इस समय को यूटिलाइज नहीं कर पाई, अब मेरे पास एक फ्रीडम है और मुझे लगता है कि आज का यूथ हर तरह से फ्रीडम महसूस करता है, चाहे वो शादीशुदा है चाहे वो नहीं शादी हुई है उसकी, वो फ्री रहना चाहता है। यही एक वजह भी रही कि पेरेंट्स का सपोर्ट था, एक फ्रीडम थी और वो एक जो ऊब थी वो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म के जरिए बाहर आ गई। लेकिन बहुत सारे लोग ऊबे हुए हैं भैया, बहुत सारा ऐसा आप देखेंगे वहाँ पे जो बात करेंगे वहाँ के लोगों से तो 99% लोग वो नहीं है मीडिया में जो वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो वो लिख रहे हैं वो उनकी उनके विचार नहीं है, जो वो बोल रहे हैं वो उनकी सोच नहीं है। सो ये जो मार्केट प्रेशर है, घर की EMI का प्रेशर है, ये बच्चों की फी का जो प्रेशर है ना, वो लोग झेल रहे हैं। अब हम लोगों में ये संभावनाएं थोड़ा हमें लगा कि इनसे खेला जा सकता है अभी फिलहाल, तो हमने एक रिस्क लिया। लेकिन यही वजह है कि उबते हैं लोग, वो एक जो परिवेश, एक जगह पर एक साथ एक ही तरीके की बात करना, उन्हीं खबरों से रोज दो चार होना, वही चार खबरों के इर्द गिर्द रहना, क्या देश में और कुछ नहीं हो रहा? देश में महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, अनपढ़ता नहीं है, दलित विचार विमर्श पे तो आप बहुत बेहतर बात करते हैं, क्या उन लोगों के साथ उत्पीड़न नहीं है? एक कास्ट के तौर पर बायसनेस नहीं है? उन पे कौन बात कर रहा है? आप देखिए लोग नहीं बात कर रहे ना, तो क्या आम आदमी सोचता नहीं होगा? एक दलित होने के नाते तकलीफ नहीं होती होगी कि मैं उस फला जाति से आता हूँ लेकिन मेरी जाति के लोगों के साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सही बात। मैं फाइनेंशियली साउंडेड नहीं हूँ लेकिन देखिए गरीबी किस स्ट्रक्चर में इस वक्त हमारे सामने खड़ी है। तो बहुत सारी डिस्टर्बिंग चीजें होती हैं भाई, लेकिन उसी के ऊपर मैं मानती हूँ कि आज मीडिया में 99% लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद द थिंग्स।
वो अपने मन का काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे हैं. देर इज अ प्रेशर इनसाइड एंड देयर फीलिंग डिप्रेशन. देखिए आप भाई, हर रोज शाम को वो मैं देखती हूँ कि शो से पहले एंकर खड़े होके 10 सिगरेट फूंकते हैं. क्या है? और बहुत सारे लोगों को जो जर्नलिस्ट हैं उनको हार्ट अटैक्स का रेट बढ़ गया है, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, इस तरह की एंजाइटी, तमाम चीजें हो रही हैं. बहुत सारा, बहुत मेंटल कंडीशन जो आजकल मीडिया हाउसेस में लोगों की है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है. वहां से उनको निकाला जाना चाहिए. एक जेल की तरह लोग महसूस करते हैं. जो प्रेशर है, द वे योर बॉसेस आर टॉकिंग टू यू, दे विल ट्रीट यू लाइक एन स्लेव. आप गुलाम हैं कोई उनके. आपको पैसा मिलता है और आप उनको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं. ये दोनों की डील है ना. आप कैसे मेरे ऊपर कमांड कर सकते हैं? आप मुझे मेरी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? मुझे डिसरिस्पेक्ट कैसे फील करवा सकते हैं? ये घुटन ये हर आदमी के भीतर है. कुछ लोग आउटस्पोकन होते हैं, मेरे जैसे आप जैसे लोग भाग्यशाली हैं कि हम बात कर पा रहे हैं उन चीजों पे. बहुत से लोग बात नहीं कर पाते हैं, बट हर आदमी परेशान है मीडिया हाउसेस. और ये बिल्कुल सच है, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ, क्योंकि कोरोना में जब मैं कोविड से ग्रसित था तो मुझ पर ये दबाव बनाया गया कि आपके शो की टीआरपी डाउन है तो ऑफिस आ जाइए और ऑफिस में आके काम कीजिए, जबकि मुझे कोविड था. तो इस तरह की स्थिति बहुत ख़राब है. तो ये सोनल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही है, मीडिया का ये डार्क रियलिटी है. जो मीडिया बाहर से बहुत ग्लैमरस लगता है, बहुत शानदार, हाथ में माइक लेके और अलग अलग शॉर्ट्स दिखाते हुए दिखता है, क्या बात है भाई, जर्नलिज्म किया जा रहा है. तो ये एकदम उसके उलट हो जाता है. बिल्कुल ठीक बात है. जो देखिए, बहुत बहुत हैंडसम चीजें दिखती हैं आप, बहुत प्यारी लगती है ये दुनिया. ड्राइंग रूम में बैठ के जब आप टीवी चैनल्स खोलते हैं, बढ़िया ग्राफिक्स हैं, बढ़िया कलर्स हैं, बढ़िया सूटेड बूटेड एंकर बैठा है, अच्छा खासा मेकअप है, अच्छा मतलब नहीं, खूबसूरत चेहरे हैं. आजकल ये बड़ा है, उस पर भी हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना. ये दिखता है आपको, ये दुनिया ऐसी आपको दिखाने की कोशिश की जाती है कि इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बट अंदर की हकीकत वो लोग फेस कर रहे हैं जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं. टैलेंट को मैं हमेशा कहती हूँ कि जो क्राउड है, जो एक 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 जो कूड़ा है एक तरीके से. मैं किसी के टैलेंट के साथ कोई नहीं कर रही कि हर आदमी का अपना एक मानसिक विकास होता है भाई, वो उसी हिसाब से काम करता है. लेकिन मेरा मानना है कि जो एक कूड़ा है ना, उसको क्लास बनाने की कोशिश हो रही है और जो क्लास है उसको कूड़ा समझा जा रहा है. ये जो लोग पढ़े लिखे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं बची है. आप डिग्रियां अपने रख दीजिए, कोई एक काम नहीं आने वाली है. किताबों का कोई मतलब नहीं रह गया है. एंकर्स ऐसे हैं भाई जिनको ओलंपिक और पैरालंपिक का फर्क नहीं पता है. दे आर डूइंग बुलेटिन्स, दे आर गेटिंग लाइमलाइट, बट द पीपल हु आर एजुकेटेड, who actually have knowledge, they are nowhere. कहीं नहीं है वो. So ये it's a crisis. I will say ये irony है, बहुत तकलीफ की बात है. सोनल, एक पेशेवर चुनौती है कि हम जब जर्नलिज्म करते हैं तो हम क्लासरूम में जर्नलिज्म जिस तरह से पढ़ते हैं कि भाई सवाल उठाओ, जनता की भलाई का काम करो, हम लोकतंत्र का चौथा खंभा हैं, हमको जनता के हित की बात करनी है. लेकिन जब मीडिया में एंटर करते हैं तो पाते हैं कि भाई ये इट्स अ बिजनेस ऑफ न्यूज़, इसमें बस खबरों का कारोबार है, इसको नफे नुकसान से मतलब है, इसको जनता के साथ क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है. तो क्या कुछ पेशेवर चुनौतियां कभी आई कि किसी खबर को लेके, किसी मुद्दे को लेके आपने सही पक्ष रखने की कोशिश की गई हो, लेकिन मार्केट प्रेशर में या राजनीतिक रूप से प्रेशर में आपके बॉसेज ने, आपके लोगों ने ये बोला गया हो कि नहीं ऐसा स्टैंड नहीं लेना है, कुछ ऐसी कुछ घटनाएं हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई. जब आप काम कर रहे होते हैं तो प्रेशर हिडन तौर पर होते हैं कई सारे, जो आपको रहना होता है उन चीज़ों के इर्द गिर्द जब आप किसी काम में होते हैं. बट मैंने कोशिश की अपनी पत्रकारिता के करियर में, मैंने कोशिश की कि मैं रह सकूं, मेरे भीतर मैं जिंदा रह सकूं, मेरे भीतर मेरा सच, मेरा ईमान, मेरी पत्रकारिता जिंदा रह सके. मैंने पूरी कोशिश की इस चीज़ की. लेकिन ऐसे कई सारे वाक्या होते हैं, कई लोगों के साथ होते हैं. मैं इसलिए बची रह गई कि मैं डिबेट्स नहीं करती थी, मैं हल्ला गुल्ला नहीं करती थी. उस हल्ला गुल्ला के कारण लोग आपको टाइप्ड भी बता सकते हैं, अरे आप तो साड़ी वाली एंकर हैं, आप पे तो धर्म कर्म ज़्यादा जचेगा, आप तो नॉर्मल सॉफ्ट स्टोरीज सोनल से करवा लीजिए, वो ज़्यादा अच्छे से कर लेगी. ऐसा नहीं है, आप भी हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, आप भी पॉलिटिक्स. बट आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस. मैं पीछे रही भाई, मैं पीछे रही. मैं मेरे को वो बट ऐसा नहीं लगा कि यार ये ज़्यादा पॉपुलर एंकर्स होते हैं, इनका पे स्केल ज़्यादा हो जाता है, ये इनको दुनिया ज़्यादा जानती है, क्योंकि जितना ज़्यादा चिल्लाते हैं आजकल उतने ज़्यादा ही टैंकर हैं. बिल्कुल
बिल्कुल सही बात है, बट वही वो चीज मुझ पे हावी नहीं हो पाई. वो एक आप बैलेंस कहिए मेरा अंदरूनी, जिस चीज ने मुझे परेशान नहीं किया. अगर आप रात को चैन से सो पाते हैं तो वो मुझे लगता है बड़ी कामयाबी है आपकी. आपने दिन में कोई ऐसी बात कह दी जिससे समाज सुधरेगा नहीं सुधरेगा हमें नहीं पता, लेकिन आपको लगता है कि ये ईमान की बात कह गए, सच कह गए, आपने कोई बात सच्ची बोल दी, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो बहुत अलग होता है. उसका उसका कोई सानी नहीं है, कोई पोजीशन, कोई स्टारडम उसकी जगह नहीं ले सकता. मुझे लगता है कि मैं बीइंग एन एंकर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर सच बोलती हूँ तो मैं सबसे पॉपुलर हूँ. लोग मुझे कितना जानते हैं आई रियली डोंट नो, बट मैं अपनी फील्ड को कितना जानती हूँ, मैं उसके साथ कितना न्याय कर पा रही हूँ, दैट इज माय स्टारडम, माय काइंड ऑफ स्टारडम, आई लव्ड इट, मुझे अच्छा लगता है. दैट इज रियली नाइस ऑफ यू, बिकॉज हम जो चीज़ हम देखते हैं बहुत सारे लोग उसी दौड़ में भागते हैं कि भाई मुझे ये शो मिल जाए, मुझे डिबेट का शो मिल जाए, और किसी तरह की भाषा, इतनी गंदी गंदी भाषा इस्तेमाल हो रही है टीवी स्क्रीन पर, इतनी गंदे वाक्यात हो रहे हैं. बहुत लोग ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत फूहड लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया है, और हिंदू मुस्लिम बाइनरी हो, दलितों के मसले हो, महिलाओं के मसले हो, उसमें वो एकदम निचले स्तर की पत्रकारिता करते हैं. तो जिस ईमान की आप बात कर रही हैं कि भाई मैं रात को जब सोऊं तो मुझे ये एहसास हो कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, क्या इस मीडिया में, इस पत्रकारिता के जगत में ऐसे लोग बचे हैं जिनमें ईमान बचा है, ईमानदार पत्रकारिता बची है? I may be an old school. मैं एक old school हो सकती हूँ, जो आज की जनरेशन है उनके लिए, उनको लगे कि किस दुनिया की बात कर रही हैं. मैडम तो अपना शो ले सकती थी, अच्छा अपना भाई, बहुत बहुत पॉलिटिक्स होती है अंदरूनी. आप अच्छा काम कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छी जगह पर प्लेस कर दिए जाओगे. हो सकता है आप सबसे लास्ट में रख दिए जाएंगे, जहां आप खुद इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि क्या मैं इस काबिल हूं कि मुझे यहां रहना चाहिए, मैं क्या ये डिजर्व कर सकती हूं. काबिलियत तो खैर अलग चीज हो गई, क्या मैं ये डिजर्व करती हूं कि मुझे यहां मेरे को ये काम दिया जाए. मैं तो बहुत कर सकती हूं, बहुत अच्छा कर सकती हूं. एंड अब ये सीरियसली एक बड़ी बड़ी आयरनी है कि लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. बहुत कम लोग बचे हैं जो सच की बात करते हैं, जो ईमानदारी की बात करते हैं. आजकल इन चीजों की जगह नहीं रह गई है. लोग इस पे डिस्कशन ही नहीं करते क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं लगता लोगों को. लोगों को लगता है अरे भाई ग्रोथ करो ना, और ग्रोथ के मायने क्या है? 9 बजे की डिबेट ले लो, हिंदू मुस्लिम कर लो, 5 बजे की डिबेट ले लो, 4 बजे की डिबेट कर लो, भारत पाकिस्तान कर लो, ये ग्रोथ का मायना है? According to me, this is not growth. आप mentally upset हो जाएंगे, अब देश के प्रति सोचना बंद कर देंगे, आप खत्म हो जाएंगे अंदर से, आप सोचना, आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी. आपको लगेगा कि आपको जंग लगना शुरू हो गया है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जहर उगला जा रहा है. उस जहर का पार्ट बन के आप तो जहर पी कर सोएंगे क्या रात को? सो यू शुड थिंक ऑन दैट. मुझे ऐसा लगता है आपको सोचने की जरूरत है, थिंकिंग एंड रीथिंकिंग की जरूरत है. आज के समय में जो एंकर्स आ रहे हैं सो कॉल्ड, जिनको ना, जिनकी ना भाषा ठीक है, ना जिनके पास नॉलेज है, बट वो उनको शो मिल रहे हैं, उनको वो मिल रहा है जो आप सोचते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हम टीवी इसलिए देख रहे हैं? आई एम अगेन सेइंग भाई कि अगर वोट से राज बदला जा सकता है तो रिमोट से टीवी भी बदला जा सकता है. क्या बात है, आप रिमोट बदलिए, आप चैनल बदलिए, जो चैनल लगता है कि जहर फैला रहा है उसको निकालिए अपनी डिक्शनरी से, उसको आउट कीजिए. लोग देखना बंद करेंगे तो चीजें लेकिन, भी लेकिन ये भी आरोप लगाया जाता है कि जनता तो ऐसा देखना चाहती है, हम तभी तो दिखा रहे हैं ना. जनता भी तो यही चाह रही है कि हिंदू मुसलमान पे डिबेट हो, इन्हीं मसलों पर फंसे रहें और बात होती रहे. तो जनता जो मांग रही है वो हम दे रहे हैं, वो तो ऐसा तर्क देते हैं हमेशा. इस तर्क में कितना दम लगता है आपको? इस तर्क में मुझे कुछ बहुत ज्यादा दम नहीं लगता है. आप पॉलिसी मेकर की श्रेणी में आ जाते हैं. आपको, आप जो अब मैं और आप बैठकर बात कर रहे हैं, हमें आपके इतने सारे व्यूवर्स हैं, वर्दी व्यूवर्स हैं, आप जो आपके प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, इतना अच्छा बेहतर कंटेंट आप दे रहे हैं, वो लोग हमें सुन रहे हैं. वो हमसे क्या गेन करेंगे? हम जो बात कह रहे हैं क्या उनके दिमाग में उसकी छाप नहीं छूटेगी? आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हो कि लोग ये चाहते हैं इसलिए हम दिखा रहे हैं? आप क्या दिखा रहे हो? आपका ईमान गवाही दे रहा है आप चाहते हो ऐसा हो? आई नो सो मैनी एंकर्स जिन लोगों को प्रेशराइज किया जाता है कि आप आज इसी लाइन पे रहेंगे. हिंदू मुस्लिम पे डिबेट है, यू हैव टू डू दिस लाइक दिस, ये आपको ऐसे ही करनी होगी. पूछिए सवाल, मचवाइए हल्ला, शोर मचवाइए. आई नो मैनी पीपल जो ये कर रहे हैं, दे आर डूइंग सो.
क्योंकि दे आर कंपेयर्ड टू डू सो, उनको मजबूर किया जा रहा है उस चीज के लिए. सो टीवी जर्नलिज्म मीडिया इस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता कि लोग ऐसा देखना चाह रहे हैं. लोगों की बात कहाँ कर रहे हो आप, जो लोगों के देखने की आपको इतनी चिंता है. जनता के मुद्दे तो उठाइए आप टीवी पर, आप लेकर तो आइए उन इश्यूज को जो जनता चाहती है कि आए आपके प्लेटफॉर्म पर. टीवी मीडिया से क्यों भरोसा उठ गया लोगों का, क्यों पत्रकारिता से भरोसा उठ गया लोगों का? वो मजाक मानते हैं आपको, दे थिंक कि आप टीवी एंकर हो. वो आपको हिकारत भरी निगाह से देखने लग जाते हैं. भरोसा नहीं होता, भरोसा नहीं होता लोगों को. अरे आप अकाउंटेबिलिटी, आप क्रेडिबिलिटी के इतने बड़े संकट से जूझ रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि लोग ऐसा देखना चाहते हैं? आप जो दिखा रहे हैं क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि बदल सकता है टीवी, और टीवी नहीं बदला तो मर जाएगा. टीवी मर रहा है धीरे धीरे. टीवी हैव टू बी चेंज्ड. अगर वो नहीं चेंज हुआ तो टीवी खत्म हो जाएगा, टीवी बचेगा नहीं. लेकिन टीवी वाले इस तरह का कोई प्रयास करते हुए नजर नहीं आते कि हम कुछ बेहतर करें. वो खराब से बदतर होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं. और आप जिस तरह का जिक्र करिए कि जनता समझ रही है, अब थोड़ा मीडिया लिटरेसी बढ़ गया, लोगों को समझ में आ गया कि अखबार में छपी हर बात सच नहीं होती, टीवी में दिखाई हुई हर बात जो है सच नहीं होती. कई बार तो ऐसा होता है कि टीवी में कोई दावा किया जाता है, जनता उसका फैक्ट चेक कर रही होती है. राइट राइट, नहीं भाई तुम गलत बोल रहे हो, ये ऐसा नहीं है, ये बात ऐसे है. तो ये जो क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है मीडिया की, इसको सुधारने के लिए पत्रकार, संपादक, मीडिया के मालिक ये कोई प्रयास करते हुए दिख क्यों नहीं रहे? बिकॉज मार्केटिंग का प्रेशर है ना भाई. दे आर लाइक, वो सिंपल वैसे ही मीडिया हाउसेस काम कर रहे हैं जैसे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं. इट्स अ बिजनेस ऑफ न्यूज़. है ना, ये एक मार्केट का नजरिया है. डिजिटल को इतना का हवा बना दिया गया है कि डिजिटल मीडिया ये करना है, डिजिटल मीडिया को आगे लेकर जाना है. उस डिजिटल मीडिया के नाम पर क्या परोसा जा रहा है वो भी देखिए. व्यूज आने के चक्कर में किस तरीके का एक हवा क्रिएट किया जा रहा है ये भी देखिए. तो मीडिया हाउसेस आर लाइक डिपेंड्स ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नाउ. दे आर टोटली इनटू अ बिजनेस, दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ जर्नलिज्म. कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं. अभी भी मेरे आंगन में उजियारा बाकी है. लोग कहते हैं कि सूरज डूबने वाला है, तो सूरज अभी डूबा नहीं है. अंधियारा जरूर है लेकिन रे ऑफ होप भी है. कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं. मैं ये नहीं कहूंगी कि सब एक ही श्रेणी में हैं, लेकिन मैक्सिमम ये बड़ी मुझे कहते हुए तकलीफ है कि 99% जो है लोग इसको इसी तरीके से देख रहे हैं कि दे आर लाइक मार्केटिंग का कोई एक बिजनेस है और वो उसको उस तरीके से ही हैंडल कर रहे हैं. किसी को टैलेंट नहीं चाहिए, किसी को काम अच्छा नहीं चाहिए, किसी को कंटेंट नहीं चाहिए. भाई क्राइसिस देखिए, जिस कंटेंट की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है बेसिकली वो नहीं चाहिए लोगों को. दे जस्ट वॉन्ट व्यूज व्यूज व्यूज. उसके लिए कुछ भी करो, उसके लिए कुछ भी करो. अब बहुत सारे डिजिटल के मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं खुद भी काम किया है कुछ समय के लिए डिजिटल मीडिया के लिए थोड़ा बहुत. तो उसमें भी कि आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, वीडियोज 5 वीडियो 10 वीडियो हर दिन की होनी चाहिए. उन 5-10 वीडियो पे एक वीडियो भारी हो सकता है आपका. अगर क्वालिटी वाला, अगर उसमें क्वालिटी है, कंटेंट है, पीपल विल वॉच यू. अगर आप 20 वीडियोस भी डाल रहे हैं और उसमें कुछ है ही नहीं, दम नहीं है, तो आज जनता बहुत समझदार है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सो ये जरूरी है चीज कि आपको मार्केटिंग के तरीके से चीजों को लेना है. आप सच में पत्रकारिता कर रहे हैं तो पत्रकारिता वाला जैसा कुछ रह नहीं गया. तो थिंग्स आर डिपेंड ऑन मार्केटिंग ओनली. सब अपना फाइनेंशियली फायदा देखते हैं, सब नफा नुकसान चलता है. जनता गई भाड़ में, जनता भी भाड़ में, कोई कुछ नहीं. जनता नेताओं के लिए भाड़ में है, मीडिया के लिए भी भाड़ में. जनता की अपनी जवाबदेही है, जनता खुद. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें कि मीडिया आपको किस तरह से देखता है, क्या आपके बारे में ओपिनियन बनाता है. सोनल, अभी आपने जिक्र किया उस सवाल से पहले कि कुछ स्टीरियोटाइपिंग होती है मीडिया में, कैसे लुक्स होने चाहिए, कैसे बाल होने चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए. इस तरह की स्टीरियोटाइपिंग बहुत होती है. आपका कलर फेयर होना चाहिए. आप जब मीडिया में काम कर रही थी तो इस तरह के अनुभव हुए क्या कि रंग को लेके, आपके चेहरे को लेके, बॉडी को लेके कुछ इस तरह की बातें हुई हों या कि होते हुए आपने देखा हो? क्योंकि ये स्टीरियोटाइपिंग बहुत कॉमन है कि आप तो एंकर बनने लायक नहीं हो, आपका चेहरा जो है वो एंकर वाला चेहरा नहीं है,
कुछ इस तरह के अनुभव हैं? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और ये बहुत जरूरी बात है। स्टीरियोटाइप्स पे बात होनी चाहिए और मीडिया में भरमार है भाई इस चीज की। अगर आप देखेंगे लोगों को तो वो आपके चाल चलन से, आपके चेहरे मोहरे से, आपके बालों से, आपके बाल लंबे हैं तो वैसा लुक नहीं आएगा प्रोफेशनल वाला, है ना, साड़ी पहनी है अरे तो दूरदर्शन टाइप लुक हो जाएगा। तो वो इस सोच वाले लोग बहुत हैं, आपने साड़ी पहनी है तो अरे स्पोर्ट्स नहीं जचेगा इनके ऊपर, इनसे कुछ और करवा लीजिए, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के जहन में चलती हैं। वो केवल आपको देख के ही अंदाजा लगा लेते हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। बड़ी कमाल की बात है, दिव्य दृष्टि है दिव्य दृष्टि है उनके पास, दे नोज व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कांट, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लुक्स पे, अपीयरेंस पे जम के छींटाकशी करते हैं लोग, जम के बात करते हैं। कभी कभी लगता है कि सोच का स्तर क्या इस यहाँ आ सकता है, लोग ऐसी भी बातें करते हैं, है ना। सबको लड़कियां एंकर चाहिए, लड़के किसी को नहीं चाहिए। लड़कों के ऊपर घनघोर संकट है मीडिया में, वो बेचारे मेल एंकर्स इतने तकलीफ में हैं बिकॉज उनको नौकरी नहीं है। सबको लड़कियां ही चाहिए एंकरिंग में, है ना। बीइंग एन फीमेल मुझे अच्छा लगता है लड़कियां रोजगार पा रही हैं, लेकिन वो इक्वालिटी, जेंडर बायसनेस, जिस समानता की आप बात करते हैं वो मीडिया में आपको दिखेगा नहीं। वो तो मॉडिफिकेशन हो गया ना, एक महिला का मॉडिफिकेशन आपने कर दिया, उसको कमोडिटी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप आ जाएं दिखा दें चेहरा दिखा दें और खबर पढ़ दें, इस तक की सीमित है। वो चेहरा क्या बोल रहा है इसके कोई मायने नहीं है। उसके पास वोकैबुलरी है, उसके पास शब्दों का उच्चारण है, वो क्या वो कंटेंट है, खबर को समझता या समझती है, क्या क्या आपने इस पे कभी गौर किया कितना स्तर गिर गया है मीडिया का। भाषाई तौर पर तो मैं कहूँ मुझे हैरानी होती है कि ऐसे शब्द बोलने वाले लोग टीवी पे बैठा रखे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, नॉलेज नहीं है। जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको, ओलंपिक और पैरालंपिक का फर्क नहीं पता, आप एंकर हैं। अभी मनु भाकर मेडल लेकर आई, उनको पैरालंपिक में मेडल दिलवा दिया गया मेरिट, है ना, दिस इज द मेरिट। मैं हैरान थी उस चीज को लेकर कि आप कम से कम इतना तो बेसिक्स पढ़ के ही बात करें ना। मतलब चेहरा मोहरा होना अच्छी बात है, आप सुंदर दिखते हैं, सुंदरता के सबके अपने पैमाने होते हैं। किसी को कुछ सुंदर लग सकता है, किसी को कुछ लग सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंटेलेक्ट इज योर ब्यूटी, आउटर अपीयरेंस कुछ होता नहीं है मेरी नजर में। मुझे लगता है कि केवल आपका एक समझ है जो आपको सुंदर दिखाती है, और आप जब बोलते हैं आपकी जबान से क्या निकलता है वो आपको सुंदर दिखाता है। मुझे नहीं लगता चेहरा मोहरा कोई बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मीडिया में ये चीजें बहुत हैं, आज भी हैं। बड़ी आयरनी है कि ये बदल नहीं रही हैं। वक्त बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, समाज की सोच क्यों नहीं बदल रही है, मीडिया में लोगों की सोच क्यों नहीं बदल रही है। जबकि पत्रकारों को तो ये माना जाता है कि भाई वो बाकी समाज के लोगों से ज्यादा एक दिमाग वाले व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पढ़ते लिखते हैं और उनको ज्यादा समझ होती है। इस बुद्धि का कोई मतलब है नहीं भाई, बुद्धिमान होना अच्छी बात है, सब बुद्धिमान होने चाहिए, लेकिन मीडिया में बुद्धिमानों के साथ कोई बहुत ज्यादा जस्टिस मीडिया नहीं करता। मीडिया में सबके अपने पैमाने होते हैं, सब अपने तरीके से सोचते हैं और उनका वही है अंदाज, चाहे वो कपड़ों से आंके, चाहे वो आपको चेहरे से आंके, आपके लंबे बालों से आंके, किसी भी तरीके से वो आपको जज कर सकते हैं कि, और उनकी अपनी आई है, नो वन कैन स्टॉप देम। खास तरह की पोशाक पहनने के लिए, इसी तरह के कपड़े पहनो, इसी तरह का लुक लेके आओ, इसके लिए भी प्रेशर डाला जाता है। एग्जैक्टली होता है, इट हैपेंस। मैं लास्ट एक चैनल में थी, वहाँ पे एक जो वहाँ के आउटपुट हेड थे उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप फ्रेश फेस हैं, आप मॉर्निंग शो में आइए और मॉर्निंग में लोग कुछ अच्छा देखना चाहते हैं। ही सेड, तो अच्छा देखने का मतलब मैं नहीं समझी, अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, कंटेंट देखना चाहते हैं कि चेहरे अच्छे देखना चाहते हैं, आप शॉर्ट्स पहनिए, है ना, है ना, तो वो अच्छा लगेगा ऑन स्क्रीन। तो आई सेड कि अगर मुझे यही चीज दिखानी होती तो मैं किसी और मीडिया इंडस्ट्री के अलावा मैं बॉलीवुड में ट्राई कर लेती, मैं किसी सीरियल्स की दुनिया में चली मॉडलिंग में चली जाती। प्रोफेशन है, सबका सम्मान करती हूँ भाई, वो भी अपना काम करते हैं, हम भी अपना काम करते हैं, हर प्रोफेशन की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उसका अपना सम्मान बना रहना चाहिए। लेकिन आप जिस फील्ड में, जिस वजह से हैं, जो आपका मकसद है, उसको आपको नहीं भूलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। यू आर अ जर्नलिस्ट फर्स्ट, नॉट अ चीयर लीडर, कि आप उसमें चीयर लीडर की तरह काम। आई वाज शॉक्ड,
और उसके बाद फिर एक गंदी राजनीति शुरू हो जाती है। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, अरे थोड़ा जोर लगा के बोलिए, आप तो बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। वॉर रशिया यूक्रेन का हुआ है यार, वॉर संवेदनशील चीज है, वॉर हल्ला मचाने का चीज नहीं है। पूछिए रूस से, पूछिए यूक्रेन से, ये फलां चैनल नहीं बताएगा कि वॉर को कैसे पोर्ट्रे करना है। पूछिए उन बच्चों से जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए, पूछिए उन महिलाओं से जिन्होंने अपने पति खो दिए। वॉर जैसी सिचुएशन को आप क्या मुझसे क्या चाह रहे हैं कि मैं यहाँ तीर तलवार लेकर खड़ी हो जाऊं, मैं तीर तलवारों से बात करूं, गन मिसाइलें चलाऊं, मेरी भाषा में आपसे आप आंकेंगे गोले बारूद चल रहे हैं। तो यू हैव टू रियलाइज द सेंसिटिविटी ऑफ द कंटेंट, दे डोंट अंडरस्टैंड इट, बी ह्यूमन फर्स्ट। कई हम लोग चैनल्स पे देखते हैं कि यूक्रेन का या रशिया के वॉर की जिक्र हो रही है, पैलेस्टीन की या इसराइल की बात हो रही है, तो वो न्यूज़ रूम में जो स्टूडियो होता है उसी को वॉर जोन बना देते हैं। कहीं से मिसाइल आ रही है, कहीं से टैंक आ रहे हैं, कहीं से हेलीकॉप्टर आके बम गिरा रहा है, बाकायदा विजुअल्स क्रिएट किए जाते हैं और ग्राफिकली पूरा दिखा दिया जाता है। तो जिस सेंसिटिविटी की आप बात कर रही हैं कि वॉर इज़ नॉट ए फन एक्टिविटी, इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, जो विक्टिम्स हैं उनसे पूछिए, ये संवेदनाएं क्यों नहीं है मीडिया में कि भाई इंसान के दर्द को समझें, मानवता, मानवीय मूल्य, ये नज़र क्यों नहीं आते मीडिया में? बिल्कुल नहीं है। आप जिस गन मिसाइल की बात कर रहे हैं, रिपोर्टर्स वहां जाके चाहे वो किसी बंकर में घुस के रिपोर्टिंग करें, हाँ, बोलेंगे देखो बम फट रहा है, यहाँ बम फट रहा है, ये क्योंकि उसको एक फन एलिमेंट बना दिया गया है। अरे वहां चले जाओ, फेमस हो जाओगे। कुदंत पत्रकारिता देखी होगी पिछले दिनों आप, I've seen it. So, लोग इसको फन एलिमेंट की तरह देखते हैं, they think that कि ये कोई फन एलिमेंट है और इसके जरिए आप फेमस हो जाएंगे। आप जाएंगे वॉर जोन में तो आप वॉर जोन से फलां की रिपोर्ट देखिए, ये देखिए, अरे भाई वो उसकी जरूरत नहीं है। सेंसिटिविटी वाले इशू पे इस तरीके की जरूरत नहीं है। और लोग जो ये चीज पोर्ट्रे कर रहे हैं, दे आर कंपेयर टू डू सो, उनको मजबूर किया जाता है कि आप इसको इसी तरीके से टीआरपी आएगी ना, गोला बारूद, कोई भी चीज शोर मचाती हुई जब आपके अपने आसपास लड़ाई हो जाती है, आप छत पर चढ़ के नहीं देखते? पड़ोसी की लड़ाई देखने में मजा आता है ना, मजा आता है, चाहे पसीने पड़ रहे हो लेकिन छतरी लेके खड़े हो जाएंगे, नीचे दरी बिछा के खड़े हो जाएंगे, बट दे हैव टू वॉच, वो झगड़ा देखना है आपको। उस झगड़े में मजा बहुत आता है लोगों को, और झगड़ा जब युद्ध में तब्दील हो, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। व्हाई मीडिया विल लूज दैट, उसको क्यों लूज करेगा मीडिया? सो दे वांट कि उसको बड़ा दिखाया जाए, वो टीआरपी गेनिंग का एक मसला हो सकता है। मुझे लगता है टीआरपी आम आदमी की बात करके भी आ सकती है, कोशिश तो कीजिए मुद्दों को दिखाने की, लोगों के बारे में बात करने की, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पे बात करने की, वो भी टीआरपी लाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल युद्ध जनता देखना चाहती है, उनकी समस्याएं क्या है उस बारे में लोग चाहते हैं कि बात हो, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, रोजी रोटी की बात हो, शिक्षा की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन वो मसले पूरे गायब हो जाते हैं। दिन भर हम टीवी पे देखेंगे तो हिंदू मुसलमान के बारे में फतवा जारी कर दिया, ये उन्होंने जमात ने वो फैला दिया, और तमाम तरीके की ये खुश हो जाते हैं। ऐसा कंटेंट आता है, दे फील हैप्पी, दिन बन गया, कंटेंट आ गया, मजेदार है। और ये सोनल, एक बिकॉज आप इंडस्ट्री के व्यक्ति हैं तो इसमें कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते ना, ये बहुत आसान तरह का कंटेंट है जिसमें बस मुंह से बातें करनी है, कोई रिसर्च नहीं करना, कोई अच्छे से अध्ययन करके कोई रिपोर्ट तैयार नहीं करना, कोई फैक्ट्स नहीं जुटाने, बस जाके बोल देना है। तो बहुत आसान सा भी कंटेंट है ये क्रिएटर्स के लिए कि बस भिड़ा दो आपस में, क्वाइट इजी, क्वाइट इजी। ये क्या होता है ना कि जो लोग, जिन लोगों के साथ बैठ के आप बहस कर रहे होते हो, तथ्य उनके पास भी नहीं होते, वो आते इसीलिए हैं कि उनको हल्ला मचाना है। और बोला ये एंकर को जाता है कि आप हल्ला गुल्ला मचवाइए, कैसी धीमी डिबेट जा रही है, मजा नहीं आ रहा, नंबर्स नहीं आएंगे। वो आदमी अंदर से सोच रहा है मैं कितना हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, दिस इज रॉन्ग, वो इंट्रोस्पेक्शन चलती है अंदर ही अंदर, बट स्टिल दे हैव टू डू सो, तब दे आर कंपेल्ड टू डू सो। सो ये जो जितने भी प्रवक्ता आते हैं, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ये रिसर्च के साथ आते हैं ऐसे मुद्दों पर? कई बार तो ये खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई क्यों इतना करवा रहे हैं उनसे हिंदू मुस्लिम। और वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो चंद्रयान गया है उसके भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, सचिन ने जो है सेंचुरी बनाई उसके भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, और कल को क्या होने वाला है वो उसके भी हर चीज पे एक्सपर्ट हो जाते हैं, ज्योतिष के भी वही होते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी सिर्फ उन्हीं को पता होता है, सोशल इश्यूज पे भी उन्हीं के पास फैक्ट्स होते हैं, दे नो एवरीथिंग, हर चीज के एक्सपर्ट होते हैं, है ना, और वो चैनल की किसी खास के खास होते हैं,
अच्छा, दे जस्ट वॉन्ट टू प्रमोट देम. बहुत सारे थिंकर्स इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, दे डोंट वॉन्ट टू बी ऑन लाइक, दे डोंट वॉन्ट कि मैं कैमरा पे आऊं. नहीं चाहते कैमरा पे नहीं आना, टीवी पे नहीं आना. टीवी जिस तरीके से न्यूज दिखा रहा है, मैं नहीं आना, वहां नहीं जाना, नहीं जाना. सो ये एक बौद्धिक जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो टीवी से कतराने लगे हैं. तो बेसिकली जो लोग बैठे होते हैं, दे आर ट्रेन्ड टू डू सो, दे आर वेरी हैप्पी विद दैट. और उनको पैसा वैसा सब मिलता है, फ्री में नहीं. एग्जैक्टली, वो अंदर खाने चलती होंगी चीजें. हमने तो कभी ना कभी, मैंने मार्केटिंग की न्यूज चैनल्स में, ना मुझे पता पैसा कहाँ से आता है. और ये एक बड़ी दिक्कत भी है. पैसा देंगे ना आप संस्थान को, संस्थान आपको भी बड़ा पैसा देगा, आपको सम्मान से रोक के रखेगा. लेकिन आप टैलेंटेड हैं, आपके पास चीजों को अलग तरीके से, अलग अंदाज से प्रेजेंट करने का तरीका है. आप चैनल के किसी काम के हो सकते हैं, लेकिन आप कोई मॉनेटरी फायदा नहीं दे रहे हैं, तो चैनल बोलेगा कि जाइए, आपकी जरूरत नहीं है. सो ये हो रहा है. तो ये जो सच न्यूज रूम्स में दबे रहते हैं, गड़े रहते हैं, वो सोनल निकाल रही है बाहर. और काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जा रहा है. सोनल, अब थोड़ा मैं इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए, लेकिन आपके व्यक्तिगत और जाति से जुड़े हुए, जेंडर से जुड़े हुए कुछ सवाल लेना चाहूँगा. आप एक महिला के तौर पे एक पहचान रखती हैं, आपकी एक जेंडर आइडेंटिटी है. क्या मीडिया में जो महिलाएं हैं, पत्रकार महिलाएं हैं, उनके लिए सुरक्षित माहौल है ग्रो करने का, अपना करियर बनाने का, वहाँ पर अच्छे से सेटल होने का? क्या उनके लिए अच्छा माहौल है, या फिर महिला होने की वजह से कुछ चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती हैं? सुरक्षित माहौल है उन लोगों के लिए है जो जिनकी जान पहचान है. अच्छा. जो आपस में किसी के थ्रू ऐसे कॉन्टेक्ट से आए हैं जो एक पावर पोजीशन में है. सो थिंग्स आर क्वाइट इजी फॉर यू. यू नो एचआर, यू नो मैनेजिंग एडिटर्स, यू आर सिटिंग विद देम, यू आर हैविंग कॉफी विद देम. सो इट्स क्वाइट इजी फॉर यू टू सर्वाइव देयर. बट हम जैसे लोग जो कि बस चले जाते हैं अपने शोरील दिखा दिखा कर, मेरा काम देखिए, आपको अच्छा लगे तो नौकरी दीजिए, नहीं लगे तो मत दीजिए. तो हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है सर्वाइव करना, क्योंकि हम केवल काम के बूते टिके रहते हैं. हम सिर्फ काम पे टिके रहते हैं, काम पर टिके रहते हैं. हमारा, हम सिर्फ काम के बंदे होते हैं. हमारा कोई और कुछ किसी से नहीं रहता कि भाई हम किसी और को जानते हैं, हम फला आदमी हमारा नोन है. ये जो सारी चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको फिर मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए एक कंफर्ट जोन से बाहर ले आती हैं आपको. वहाँ पे लगता है कि हाँ, अब आपके लिए ये चीज़ें यहाँ आसान नहीं रहने वाली. जेंडर की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर महिला होने का बहुत फ़ायदा मिलता है मीडिया में. लेकिन अच्छा, महिला होने का उतने नुकसान भी मिलता है. फायदा उन्हीं को मिलता है जो किसी जैक से गए हैं, जिनके पास खुद का कंटेंट नहीं है, बट स्टिल वो किसी के अपने चाहते हैं. चहेतों को हर जगह फायदा मिलता है, वरना आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा हर तरीके से. पता है लोगों को कैलिबर का, ऐसा नहीं है. दे नो कि आप उनके कितने काम के हो सकते हैं. उन्हें पता है कि आपका टैलेंट क्या है, बट आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि आप उनके जान पहचान के नहीं है, या उनके रिश्तेदार नहीं, जो भी आप मानकर चलिए. रही बात कास्ट की, तो बहुत बहुत ज्यादा एक कास्ट विशेष का दबदबा है, केवल एक जाति का दबदबा है. वो चाहते हैं कि आसपास उसी जाति के लोग रहें. आप जिस जाति से आते हैं, उस जाति को डिस्कशन करने में भी दे आर लाइक, उनको उस चीज का महसूस होने लग जाता है कि भाई ये कुछ अलग प्राणी है, ये तुच्छ प्राणी है, ये इससे बात नहीं करनी या इससे करनी है, इनके साथ खाना खाना है, इनके साथ नहीं खाना है. कूट कूट के मीडिया में कास्ट भरी पड़ी है. पावर पोजीशन देखिए, लोगों के बिहेवियर नोटिस कीजिए, उनसे बात करिए आप अपनी कास्ट आइडेंटिटी के साथ, एंड देखिए नजारा. फिर आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ खड़े हैं 21वीं सदी में. ये लोग हैं जो मीडिया की बात कर रहे हैं, ये लोग हैं जो देश की बात कर रहे हैं, ये चलाएंगे देश को. जब जाति पे वो बेहुदा चुटकुले सुनाते हैं, जब जाति पे बेहुदा बातें करते हैं, वो फलां इस जाति से आता है, उसकी कहावतें सुनाते हैं, फलां के साथ खाना है, उसके साथ नहीं खाना है, ऐसी बातें करते हैं, तो बड़ा तकलीफ होती है कि कहाँ हैं हम. हमें इस देश को बदलना चाहिए. हम अपने नॉलेज से जाने जाने चाहिए, हम अपनी जाति से नहीं जाने जाने चाहिए. लेकिन इसका मैं कहूँगी कि इसके लिए नेताओं को बधाई कि उन्हीं का काम आगे बढ़ाने का काम मीडिया कर रहा है. जिन नेताओं से राजनीति में जाति नहीं छूटती,
वैसे ही मीडिया में भी जाती, मुझे नहीं लगा छूटने वाली है अगले कुछ समय तक, तो मुझे नहीं लगता कि हालात बदलने वाले। और वो उसको डेटा भी, न्यूमेरिकल डेटा उसको सपोर्ट करता है उस चीज़ को, कि न्यूज़ लॉन्ड्री और ऑक्सफैम की रिपोर्ट है जो कहती है कि भारत में जितना भी मीडिया है उसमें 92% जो मीडिया है जिसमें पावर पोजिशंस हैं, एडिटर्स की पोस्ट हैं, एंकर्स हैं, तमाम जो फैसले लेने वाले पद हैं वो सवर्ण लोगों के पास में है, दे कॉल देम अपर कास्ट, जो डोमिनेंट कास्ट है उनके पास में है। तो सोनल, आप एक महिला हैं, महिला पत्रकार के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, और जब कोई महिला होती है तो उसकी अपनी एक जंग शुरू हो जाती है, जब कोई दलित होता है तो उसको एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ती है, कोई मुसलमान बैकग्राउंड से हो तो उसको एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो आइडेंटिटी के साथ भी जूझना पड़ता है। तो इस आइडेंटिटी के साथ मीडिया में रहते हुए, काम करते हुए कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं और बहुत ज़रूरी सवाल है। महिला होना ही अपने आप में एक बड़ा क्राइसिस है, बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि आप महिला हैं। महिला के साथ आप किस जाति से आती हैं, आप किस धर्म से आती हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कैसी दिखती हैं, उन 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 चीज़ों को तो आप छोड़ ही दीजिए, वो एक अलग मसला शुरू हो जाता है। केवल महिला के साथ इतने सारे चीज़ें जुड़ी होती हैं सुमित भाई, जो कि मीडिया में लड़कियां फेस करती ही करती हैं। जब आपकी आइडेंटिटी रिवील होती है, जब जाति के बिना पे लोग बात करते हैं तो वो आपको कास्ट कमेंट्स भी करते हैं, फिर वो आपको आप कैसी दिखती हैं उस पर भी कमेंट करते हैं, फिर आप किस धर्म से आते हैं उस पर भी कमेंट करते हैं। तो महिलाओं के लिए यात्रा इतनी आसान है नहीं, पुरुषों के लिए भी मैं कहूँगी, मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी, ये दोनों बराबर की चीज़ें हैं, क्योंकि धर्म इस देश से जाएगा नहीं, जाति इस देश से जाएगी नहीं, जेंडर की लड़ाई रहेगी, तीनों चीज़ें आपस में इतनी कनेक्टेड हैं कि इन चीज़ों पर तो बात होगी ही होगी, पीपल विल यू नो वो फब्तियाँ कसेंगे ही कसेंगे। और मीडिया में आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कितने बड़े बड़े शो बना लें आप जातियों की समानता पे या धर्म सौहार्द पे, पर अंदर वो चीज रहती है लोगों के, वो गाहे बगाहे अपनी बातों से जाहिर कर देते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर की मंशा क्या है। तो इट हैपेंस इन ऑल ओवर इन मीडिया, हर जगह होता है कि वो जाति के नाम पे आपको फब्तियां कसेंगे, वो आपको धर्म के नाम पर आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। तो ये होता है, होता आया है, इस सिस्टम का पार्ट हो चुका है। अब पीपल आर यूज टू, उन्हें पता है कि उनके साथ होगा। नौकरियों में अगर आप किसी रिलीजन विशेष से आते हैं तो आपको सिर्फ इसलिए एंकर बना दिया जाएगा कि ईद की छुट्टी आपको लेनी है, बस दिवाली पे आप हमारे यहाँ, बाकी दिन आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, है ना। ये चीजें हैं। अगर आप किसी जाति विशेष से आते हैं तो आपको वैसे पीछे कर दिया जाएगा, क्योंकि एक 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 तबके का वर्चस्व है, वो चाहते हैं कि उन्हीं का एक वर्चस्व बना रहे, तो वो आपको नोइंगली पीछे रखना शुरू कर देंगे। तो लोग अपने अपने तरीके से इस्तेमाल तो करेंगे आपको, लेकिन उनका इस्तेमाल करने के तरीके में आपका कोई बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला है। सो यू हैव टू फेस दिस, यू हैव टू फेस। लोग नाम पूछते हैं, पूरा नाम बताओ, फिर वो जाति टटोलने की कोशिश करते हैं, कैसा कुछ अनुभव रहा? भाई कॉन्फिडेंस स्पीक्स, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती, लेकिन आपका आत्मविश्वास चीज़ों को बदलता है। मेरा वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा डिफरेंट तरीके से रहता है। मैं फैक्चुअल बातें करती हूँ। मुझे लगता है कि आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ें अगर रखते हैं, आप अपना ऑरा अगर मेंटेन करके रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं कोई अगला आपसे टकराता है। वो फिर रिसर्च ही करते रह जाते हैं मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ बिल्कुल, ये आयरनी है, विडंबना है कि भाई हम इस देश में एक तो महिलाएं, ऊपर से जाति रंग, महिलाओं के साथ एक चीज थोड़ी ना जुड़ी होती है, बहुत सारी है, उसको हर फ्रंट पे फाइट करना है, कास्ट के बेसिस पे करना है, रिलीजन के बेसिस पे करना है, कलर कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पे करना है, शी इज टॉल और नॉट, शी इज यू नो फेयर और नॉट, दैट्स लॉट मेनी थिंग्स विच बिलोंग्स टू वुमेन, है ना। वो उससे अलग होके महिला को नहीं देखा जा सकता कभी, वो महिला उसी के इर्द गिर्द रहती है। और एक्सपीरियंसेस होते हैं, नो डाउट होते हैं, कई बार लगता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ये किस दुनिया की बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम एक एडुकेटेड फैमिली से हैं, हमारे माँ बाप पढ़े लिखे हैं, हमारी एजुकेशन पे उन्होंने काम किया है, और हम भी पढ़ाई लिखाई के बूते काम कर रहे हैं, तो हमें ये बात बचकाना लग सकती है उनकी, बट दे प्राउडली लाइक रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। और वो उनके व्यवहार में, वो उनकी बातचीत में झलकता है, चाहे वो कोटे को गाली देना हो,
मेरिट के नाम पे हल्ला मचाना हो, जिस मेरिट की दुहाई दी जाती है कि कोटे वाले तो सब ले जाते हैं हम रह जाते हैं, और जब मेरिट की बात वाकई में आती है जिसमें जो लोग होना रहे हैं टैलेंटेड है काम कर रहे हैं, फिर उस मेरिट का वो कत्ल कर देते हैं, उसको भगा देते हैं, उसको काम करने नहीं देते। सोनल, दलित मसलों पर हम कई बार देखते हैं कि मीडिया में दलितों की एक तो भागीदारी नहीं है, कहीं पे देखने को नहीं मिलता। मैं जहाँ काम करता था कभी कोई दलित पत्रकार मुझे मिला नहीं। क्या बैरियर्स आपको नज़र आते हैं कि क्या दलित पत्रकारिता के स्कूलों में नहीं जा रहे, जर्नलिज्म की डिग्री नहीं ले रहे, या उनको एंट्री नहीं दी जा रही, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है? और जैसा आप जिक्र करी थी कि अगर आपकी पहुँच है, आपके कनेक्शन हैं, तो आपको ईजिली काम मिल जाता है, दलितों की कम भागीदारी को कैसे देख रही हैं? क्या वजह है कि वो मीडिया में विजिबल नहीं है, नज़र नहीं आते? सी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे। एक तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक कम्युनिटी विशेष का ही है, मैं मान के चलती हूँ कि हम लोग थोड़ा सा ना अंडर उसमें रह जाते हैं कि चल बात करें कि नहीं करें, क्या हमें बात करनी चाहिए इस बारे में कि नहीं करनी चाहिए, है ना। तो वो एक जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मुझे ऐसा लगता है उसकी कमी मैं महसूस करती हूँ दलित समाज में। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ और दुरुस्त होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ के दे रहा, उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट होने की ज़रूरत है। पहली बात, आपको आँख में आँख मिला के बात करनी आनी चाहिए। वो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक लोग आप एक्सेप्टेबल नहीं होंगे सोसाइटी के लिए। वो लोग आपको नहीं मानेंगे कि आप उन्हीं का एक हिस्सा हो। उसको करने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल आपका भी होना चाहिए। रही बात पार्टिसिपेशन की, तो यस, जब एक कम्युनिटी विशेष का दबदबा होगा तो दे वांट कि उनके इर्द गिर्द वही लोग रहें। फिर क्यों आप किसी शेड्यूल कास्ट को आसपास देखना चाहोगे? क्यों चाहोगे कि वो आपके यहाँ पर काम करें? जब आपको अपनी ही जाति का परचम फहराना है तो दे वांट कि उनके आसपास उन्हीं के लोग रहें। और फिर उससे एक बिजनेस वास्ट होता चला जाता है ना, वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, फलती फूलती चली जाती हैं, साम्राज्य बनता है, किंगडम बनता है। उस किंगडम को कौन खोना चाहेगा? अभी हर आदमी चाहता है कि उसी के इर्द गिर्द उसी के लोग रहें, है ना। सो कॉल्ड जो जिन्हें आप दलित कहो, शेड्यूल कास्ट कहो, जो कम्युनिटी का एक फैक्टर दिखाई देता है, उस कम्युनिटी के फैक्टर में हर आदमी ये चाहता है कि हमारा वर्चस्व हो, हमारा वजूद मजबूत हो, जो कि सालों से चला आ रहा है। जाति का डिस्कोर्स बड़ा लंबा है, इसको जब हम देखते हैं तो ये आज की यात्रा थोड़ी ना, बहुत लंबी यात्रा है। और तो लोग चाहते हैं कि वो कैरी ऑन उसको उसी तरीके से किया जाए। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ भाई, हमारा ही है दबदबा, बस हम ही हैं जो कुछ है, यहाँ के हम हैं सिकंदर। तो वो हर फील्ड में ऐसा ही है, और ये भागीदारी हर जगह कम है। धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें बदल रही हैं, बट स्टिल है यहाँ पे चीज़ें जो हमें कहीं ना कहीं तकलीफ दे हैं हमारे लिए। और मीडिया में जब चंद जातियों का दबदबा होता है, उनका कब्जा होता है, तो फिर खबरों पर भी आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं, कंटेंट में वो चीज़ नज़र आती है कि वो अपने स्टाइल से ही कंटेंट पेश करेंगे। I was reading, भारत बंद का भी 21 अगस्त का हुआ, तो एक मीडिया चैनल पे एक महिला पत्रकार कह रही थी कि ये देश विरोधी आंदोलन है, जबकि समाज के इतने बड़े वर्ग के लोग अपने हक अधिकार के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, चूँकि आपके लोग नहीं है, आपके जैसे बैकग्राउंड के लोग नहीं है, तो उनका जो मन में आएगा वो बोलेंगे, किसी भी चीज़ को वो गलत ठहरा सकते हैं। अब खबरों में आपको खबर दी जाती है कि दलित महिला के साथ हुआ रेप, दलित महिला। मुझे ऐसा लगता है महिला अपने आप में एक आइडेंटिटी है, उसको दलित होने की जरूरत नहीं है खबरों में, जो आप एक प्रताड़ित दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तकलीफ होती है भीतर से जब आप बार बार एक शब्द बार दलित 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 के घर खाना खाया, दलित महिला से रेप हुआ, दलित महिला के साथ बदसलूकी हुई, मतलब इस चीज का क्या मत? आप देखिए, आप एक कास्ट विशेष को अपनी टीआरपी का भी जरिया बना रहे हैं, नेता तो उसे हथकंडा बना ही रहे हैं। नेता तो दलित के घर भोजन करेंगे जाकर, चाहे वो मिनरल वाटर पिएंगे वहां पे, बाहर से बढ़िया खाना मंगवाएंगे 5 स्टार से और उन्हीं के बर्तनों में खा के आएंगे, है ना। लेकिन वो जो चीज है जिसको आप कह सकते हो कि दलित 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 जोड़ के जो एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की जाती है, दबा कुचला, है ना, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, प्रताड़ित है, मीडिया भी तो उसको प्रताड़ित के तौर पे दिखा रहा है, राजनीति ही थोड़ी ना। शब्द इस्तेमाल होते हैं सोनल की, दबंगों ने ऐसा कर दिया। दबंग इटसेल्फ इज अ यू नो स्केरी वर्ड, कि वो आपको बाहुबली दिखा रहा है, वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है कि भाई वो दबंग है जिसने आपके साथ ऐसा किया है, बाहुबली आदमी है जिसने आपके साथ शोषण किया है, तो एक तरीके का मैसेज ये दिया जाता है ना, डर के रहो। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। लैंग्वेज जो है वो भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। ये जो दबंग शब्द आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, ये सच में एक फियर पैदा करने की कोशिश, साइकी आपकी डिस्टर्ब होती है ना उससे। अब वो लगता है कि ही इज अ पावरफुल लाइक पर्सन जिसने ये किया, उससे पंगे नहीं लेने हमें।
बाकी को भी डराने की कोशिश बाकी को भी डराने की कोशिश होती है। तो ये जिन शब्दों का चुनाव मीडिया इस वक्त कर रहा है जाति के लिहाज से खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, जिसपे बहुत डीप डिस्कोर्सेज की जरूरत है। आप जैसे लोग कर भी रहे हैं और भी मजबूती से इसको आगे आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिन शब्दों का चुनाव कर रहे हो वो अपने आप में आपकी साइकोलॉजी दिखाता है कि आप उसके प्रति सोच क्या रखते हो, आपका क्या वे ऑफ थिंकिंग है उस पर्सन के लिए, चाहे वो आप किसी भी जाति की बात कर एग्जैक्टली exactly. उसमें आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो दैट मेक्स अ वाइटल रोल। और दलितों की तो जाति, दलितों की जाति बता देते हैं लेकिन जो आरोपी हैं उनका सरनेम छुपा लेते हैं, उनका सरनेम छुपा लेते हैं, बताते नहीं, उनका भी बताओ। सब अपनी सहूलत के हिसाब से करते हैं ना, नेता जाति को अपने सहूलत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे और आपके मीडिया जो है वो अपनी सहूलत के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जिसको जहाँ फायदा लगता है, फायदे की दुनिया है, बिजनेस है, बिजनेस है, जिसको जहाँ लगता है कि इसका नाम लेने से मुझे यहाँ फायदा हो रहा है वो उसको उसी तरीके से पोर्ट्रे करेगा। बहुत जरूरी बात सोनल बता रही हैं और काफी इंटरेस्टिंग है, लाइटनिंग है, और मीडिया की इस डार्क रियलिटी को लोग समझें, मीडिया लिटरेसी बढ़ेगी, हमारी कोशिश है। काफ़ी अच्छा डिस्कशन है, मैं कुछ आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं और इस सवाल में मेरा मीडिया से जुड़ा ही सवाल है ये कि आप लोग जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, हम लोग जो कम्युनिटी जर्नलिज्म वाले लोग हैं वो उसको मनु स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, कि बिकॉज उनका स्ट्रक्चर कास्टिस्ट है, सब लोग एक जाति के भरे हुए हैं इसलिए वो, और उनकी हरकतें भी वैसी हैं, तो हम उसको मनु स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। मनु स्ट्रीम मीडिया के बरक्स आप देखेंगे तो कुछ कम्युनिटी जर्नलिज्म के नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं, चैनल खोल रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, जिसको हम लोग अम्बेडकराइट जर्नलिज्म कहते हैं, कि ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि वो भी पत्रकार के तौर पर उन्होंने 5-5 अखबार शुरू किए, अपनी ज़िंदगी के 36 साल जर्नलिज्म किया। तो जो मनुवादी मीडिया है उसके मुकाबले में कम्युनिटी जर्नलिज्म को, जो अल्टरनेट जर्नलिज्म है, इसकी इंपॉर्टेंस को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो जनहित के बात कर रहा है, वो समाज के असली मसलों की बात कर रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस को कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पर बहुत ज़रूरी बात है और लोगों को समझना होगा ये कि नीड ऑफ द आवर है। समय जैसे जैसे बदलता है उसके साथ उसकी कुछ ज़रूरतें होती हैं सोसाइटी की। वक्त के साथ नज़रिया सोच बदलनी चाहिए। जो लोग सबकी बात कर रहे हैं, कम्युनिटी जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं या मनुवादी मीडिया को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, मुझे लगता है वो डार्क रियलिटी सामने आनी चाहिए। और ऐसे जर्नलिस्ट को मैं बधाई देती हूँ जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, क्योंकि समाज की अपनी अपनी धाराएं, अपना अपना वर्ग है सुमित भाई। कोई किसी तरीके की बात सुनना पसंद करता है, कोई किसी तरह की बात सुनना पसंद करता है, कोई जातिगत मसलों पे ज़्यादा बेहतर सोच रखता है, जिसने अच्छी पढ़ाई करी है, अच्छा रिसर्च किया है, वो ज़्यादा बेहतर बता पाता है। कुछ लोग होते हैं जो कम्युनिटी पर बात करना चाहते हैं, कम्युनिटी की बात सुनना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि एक ओवरऑल मीडिया का एक सिनेरियो देखते हैं, वो उस पर उस डिस्कोर्स पर बात करते हैं। मेन थिंग इज कि फैक्ट आने चाहिए, सच बाहर आना चाहिए, सच किसी भी तरीके से आए वो आना चाहिए, वो चाहे आप किसी भी जर्नलिज्म की बात कर लें, व्हेन यू आर टॉकिंग विद फैक्ट्स, जब आप सच के साथ बात कर रहे हैं, तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, आई थिंक सो कि दैट मेक्स अ चेंज। एंड मैं आई विल लाइक, मुझे बधाई देती हूँ मैं ऐसे लोगों को, और ये एक बड़ा चेंज है जिसे मैं कहूँगी, कम्युनिटी जर्नलिज्म कहिए या फिर आप कहिए कि जो मनुवाद, जो आप जिस जाति विशेष के एक उसकी बात कर रहे हैं, मीडिया की बात कर रहे हैं, दोनों का अपना अपना समाज में एक रोल है, दोनों का अपना अपना वर्ग है, नो डाउट है ना। तो वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सारी नई चीज़ें हमें उस पत्रकार से सीखने को मिलती हैं जो कि एक जाति पर रिसर्च करके बात करता है, वो नई बातें हमें बता पाता है, वो हमें नहीं पता होता, ग्राउंड रियलिटीज आती हैं। तो ये जो एक डिजिटल मीडिया ने एक नया युग शुरू कर दिया है, तो ये निश्चित तौर पर एक चेंज की उम्मीद मैं रखती हूँ। मुझे लगता है कि एक सुनहरा भविष्य है और बहुत बुद्धिजीवी लोगों को, बहुत लोगों को जो एक लैक फील होता था कि हमारी आवाज़ नहीं है, उनके लिए इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अब आप भी उस आवाज़ में शामिल हो गई हैं, तो मीडिया से आप जो हैं अपना अलविदा कह के आपने अल्टरनेटिव मीडिया द चबूतरा नाम से एक नया वेंचर शुरू किया है। जो दर्शक हमारे हैं न्यूज़वीक के दर्शकों से हम अपील करते हैं कि उसको सब्सक्राइब करें, कमेंट में हम देखें उनका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप सोनल को ज़रूर सपोर्ट करें, उनके चैनल को सपोर्ट करें। द चबूतरा में आप क्या प्लानिंग है आने वाले दिनों में, कि भाई किस तरह की पत्रकारिता मुझे करनी है, क्या कुछ सोचा है इस नए वेंचर के बारे में? बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती थी जब टीवी में काम कर रही थी, कि क्रिएटिव पार्ट पे
मुझे और काम करने की जरूरत है या मैं कर सकती हूँ. विधानसभा इलेक्शंस अभी आ रहे हैं हरियाणा में, आई वांट कि मैं लोगों के बीच में जाऊँ, उनकी बात करूँ, वो क्या सोचते हैं, क्या नेता उनके बीच पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं. आप एक पीआर एजेंसी बन के ना जाएं, आप किसी के प्रवक्ता बन के ना जाएं, आप जनता के नुमाइंदे बन के जाएं, उनकी बात करें. तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ होगी, लोगों को भी लगता है, वो कनेक्ट फील करते हैं उस चीज़ से, इसीलिए मैंने नाम भी चबूतरा दिया है. सो उसमें बहुत सारी चीज़ें रखेंगे हम. मुझे कविताओं का शौक है, मैं उस पर कविताएं भी पढ़ूंगी. मुझे कहानियां सुनाने का शौक है, मैं चाहूंगी मैं कहानियां भी सुनाऊं. तो वो जो एक आपका एक ओवरऑल क्रिएटिव पार्ट आता है किसी भी चीज में, ये इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि जहां एक प्लेटफॉर्म पे आप सारी चीजें कर पा रहे हैं. कोई बंदिश नहीं, कोई रोक, कोई बंदिश नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं कि आप ये चलाइए ये ना चलाइए. हर पार्टी की खबरें चलेंगी, हर पार्टी की बात करेंगे. एक संतुलित पत्रकारिता जो एक होता है, बैलेंस्ड जर्नलिज्म, उसका मेरी कोशिश रहेगी कि लेफ्ट राइट ना जाकर हम सीधा लोगों तक पहुंचे. लेकिन इसमें चमक दमक नहीं मिलेगी सोनल. आप जब मेकअप रूम में वहां रहती होंगी न्यूज रूम में, तो खूब लाइट्स जल रही है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, अच्छे अच्छे स्टाइल्स किए जा रहे हैं, और खूब जब स्टूडियो में जाते हैं लाइट्स जलती हैं, बहुत चमक दमक है. दिल कभी कभी करता है, अरे वाह मैं कितनी अच्छी जगह पे काम कर रही हूं. मैं तो खादी से कुर्ते लेकर आई बहुत सारे अच्छा. लूज लूज कुर्ते, क्योंकि गर्मी का मौसम है, और बहुत चमक धमक में काम कर लिया. मुझे लगता है कि मैं एक्साइटेड हूँ उस चीज के लिए कि मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ. वो बहुत काम कर लिया. हेयर स्टाइलिस्ट नहीं मिलेंगे, मेकअप आर्टिस्ट नहीं मिलेंगे, बट मुझे लगता है लोगों की बात भी तो कितनी खूबसूरत होगी जब आप करेंगे. नई कहानियां, असली कहानियां, नई चीजें होंगी, नया एक्सपेरिमेंट है मेरा ये. और मैं कहूंगी कि एक्सपेरिमेंट एक पैशनेट एक्शन है मेरा. आई वॉन्ट कि ऐसा होना चाहिए. जिस बदलाव की मैं उम्मीद करती हूँ, बदलाव मैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए ला पाऊँ. व्यस्तताएं हैं, शुरुआती फेज में है, चैलेंजेस भी हैं, बट स्टिल आई एम होपफुल. मुझे लगता है कि चीजें अच्छी होंगी. डाउट तो नहीं हो रहा कि यार ये जज्बातों में आके मैंने क्यों नौकरी छोड़ दी, फैसला ले लिया. आई वाज टोटली मेंटली प्रिपेयर्ड, पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड थी मैं. और आज से नहीं, बहुत समय से थी. वो कसक रह जाती है दिल में, कसक रह जाती है. मुझे लगता है जिंदगी एक ही है. जब आप अपने तरीके का काम नहीं कर पा रहे, अपने शौक नहीं पूरे कर पा रहे, तो फिर इसका क्या मतलब. आप 8 घंटे नौकरी करके, 8 घंटे की बुलेटिन पढ़ के जब शाम को आते थे तो उबाऊ लगता, थका हुआ लगता था. थकती अब भी हूँ, 3 घंटे सो पाती हूँ. अपने काम में और ज्यादा थका, और मेहनत करनी पड़ती है. बट मैं मुझे अच्छा लगता है वो. मैं थकती नहीं हूँ उसमें, मुझे थकान नहीं होती. उसमें भी खाना स्किप हो जाता है, बट हो जाता है तो हो जाता है, अपने लिए हो रहा है. वो एक प्रेशर फील नहीं होता और अच्छा लगता है कि यार वर्किंग लाइक फ्रीली आप काम कर पा रहे हैं. और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो वेंचर है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करे. और डिजिटल की दुनिया में जिस तरह से अल्टरनेटिव मीडिया ने अपनी पहचान बनाई है और अब एक पैरेलल मीडिया के तौर पर खड़ा हुआ है, तो वैसे द चबूतरा को आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में हम देखें और एक शानदार जो है प्लेटफॉर्म बने. आप सब उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें. सोनल, आखिरी कुछ सवाल ले रहा हूं. आप हरियाणा से ताल्लुक़ रखती हैं, हरियाणा के महम से आपने शुरुआत की अपनी, परिवार के बारे में कुछ बताएं, कैसे शुरुआत हुई, लालन पालन कैसे हुआ, कुछ बैकग्राउंड अपना बताएं, और फिर पत्रकारिता की तरफ कैसे इंटरेस्ट गया, थोड़ा उसके बारे में बताएं, हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे. रोहतक के महम में मैं पली बड़ी, कस्बा है मेरा, और फादर चूंकि मेरे जर्नलिस्ट रहे हैं. अच्छा. तो उस वक्त पे पापा बहुत मेहनत करते थे मेरे साथ, भाषण के लिए, कविताओं के लिए, डिबेट्स के लिए, स्टेज पे लाने का पूरा एक परिवार कहते हैं कि आपकी पहली पाठशाला होती है. मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत की है, उसी मेहनत का एक आउटकम दिखता भी है. व्हेन आई स्पीक, लोग मुझे जब बोलते हैं कि आपका उच्चारण अच्छा है, आपकी भाषा अच्छी है, या आपका लैंग्वेज कमांड अच्छा है, तो वो चीज़, दैट होल क्रेडिट गोज़ टू देम. उन्होंने उस चीज़ पे मेहनत की है. एक शब्द अगर एक लाइन भी टूट जाती थी कभी, तो आज भी मेरे पापा मेरी, मैं बहुत डरते डरते कोई चीज़ दिखाती हूँ, लगते ही वो क्रिटिसाइज करेंगे उसको कि अरे यहाँ तोड़ दिया, ये ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे बोलना था. तो वो आज भी उसी इमोशन के साथ देखते हैं, स्टूडेंट के तौर पे देखते हैं. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि माय फादर इज लाइक मेरे गुरु भी हैं, गर्व भी हैं, गुरूर भी हैं. लवली. तो वो एक तरीके से रहा कि पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया. मेरी मदर की हिंदी बहुत अच्छी है,
बहुत छोटे छोटे शब्दों को वो पकड़ती थी, तो उनके जरिए भाषा भी अच्छी होती चली गई. आज तक रहता है, आज तक वो मेरे काम में. गुलझट शब्द मेरा एक सीरीज शुरू किया हमने, गुलझट वो नाम मेरी माँ का दिया हुआ है, मेरी मदर ने उसका नाम दिया गुलझट, मतलब पेचीदगी, पेचीदगी, परेशानी, गिरह, उलझाव, जैसे कोई गांठ लग जाए. राइट, अपने हरियाणवी में बोल देते हैं गुलझट, गुलझट, और हिंदी का शब्द है बेसिकली गुलझट. सो मेरी मदर ने उस पर काम किया. तो पेरेंट्स का एक रहा, मैं सौभाग्यशाली हूँ, बहुत कम बेटियों को ये चीज नसीब हो पाती है कि वो उनके माँ बाप ढर्रे से अलग सोच पाते हैं. बड़ी बात है. मेरे माँ बाप ने सोचा, शादी का प्रेशर, ये सारी चीज़ें इनके बीच होते हुए, मुझे लगता है कि ये आप फील नहीं करते सोसाइटी, ये माँ बाप फील करते हैं. वो उसी परिवेश में रहते हैं, उनसे चार लोग आके पूछते हैं कि अरे चोरी ने ब्याह कद करोगे, तो वो प्रेशर उन्होंने फील किया. लाजमी तौर पर कोई भी माँ बाप फील करेगा, बट उन्होंने मेरे तक उसको फिल्टर करके लेके आए, लेकर आए, पर अपने अंदाज में लेकर आए. उन्होंने सोसाइटी को नहीं पोर्ट्रे किया कहीं पर भी. तो वो चीज़ रहती है कहीं ना कहीं. पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया. भाई है वो हाई कोर्ट में वकील है, बहुत ही जहीन इंसान है और बहुत अच्छा, मतलब लॉयर है. हाई कोर्ट में यंगेस्ट एक लॉयर के तौर पे उसने अपनी जगह बनाई है. तो उसके अलावा एक दादी है मेरी, दादा अब नहीं रहे दुनिया में. सो ये एक परिवार है जो अभी तक बंधा हुआ है, अच्छी बात है. और बुआ हैं, मासी हैं, ये तो पूरा रहता ही है. मेरी बुआ का भी मेरी ज़िंदगी में बड़ा योगदान है. मैंने जो इंटर्नशिप का मेरा फेज़ था, वो मैंने अपनी बुआ के घर रह के इंटर्नशिप की. वहीं से मैंने पहली जॉब की चंडीगढ़ में. तो शी इज़ एक बहुत ब्रिलियंट लेडी है. वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर उनकी जो समझ है, उसने मुझे एक विमेन का एक जो नज़रिया होता है ना, उसको समझने में बहुत हेल्प किया. बहुत छोटी छोटी बातें उनकी मैं कैच करती रही. वो एक बहुत अच्छी महिला हैं, बहुत कई मायनों में बहुत अच्छी महिला हैं. सो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा. मेरी मदर से मैंने बहुत कुछ सीखा. मेरी मदर आज भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में डांटती डपटती रहती हैं. उनका एक हक रहता है एक माँ का बच्चे पे कि ये नहीं किया, वो नहीं किया. बट स्टिल मेरे फैसलों में, मेरे डिसीजन में मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े रहे. तो मैं आपके इस मंच के ज़रिए अपने मम्मी पापा को मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत कम माँ बाप होते हैं जो इस तरीके से बच्चे को सपोर्ट करते हैं. मेरे हर पैशन को उन्होंने रिस्पेक्ट किया, मुझे मेरी फ्रीडम एंजॉय करने का मौका दिया. ये मैं इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि किसी का किसी पे अख्तियार नहीं होता सुमित भाई. लेकिन कहते हैं ना कि 9 महीने बाद जब बच्चा अलग हो जाता है तो वो अलग आइडेंटिटी रखने लग जाता है. बट स्टिल माँ बाप का हक रहता है. बिल्कुल. वो हक को किस तरीके से रखते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. जर्नलिज्म में पापा की वजह से इंटरेस्ट हुआ कि क्योंकि पापा जर्नलिस्ट हैं तो मैं भी जर्नलिस्ट बन जाती हूँ वो, या आपके खुद के अंदर से कुछ था कि भाई मेरे को कुछ अलग काम करना है, कुछ बदलाव वाला काम? ये डिबेट्स डेक्लेमेशंस बहुत करती थी मैं, यूथ फेस्टिवल्स में बोलती थी. तो वो एक स्टेज की जो दुनिया थी उससे लगता था कहीं ना कहीं कि अच्छा बोलना है, टीवी पे जाना है, टीवी एंकर बनना है. मेरे फादर भी बहुत अच्छे एंकर होते आज इंडस्ट्री के, अगर होते बहुत अच्छे वक्ता हैं वो, बहुत अच्छे. रेडियो पे समाचार भी पढ़ते थे उस टाइम. हम दोनों बहन भाई सुनते थे कि पापा समाचार सुनाएंगे. दोनों बैठ के बैठ जाते थे उस टाइम, खेल समाचार आते थे. सो वो तो एक रहा ही, लेकिन टीवी की दुनिया में आने का एक सपना साथ साथ माँ बाप ने भी देखा, मेरे पिता ने भी देखा कि मेरी बेटी टीवी पे खबरें पढ़े. और मुझे भी लगा, अभी चीज़ें बहुत बदली, लेकिन वो इनिशियल स्टेज पे सपना हमारा साझा सपना था. और उसके लिए माँ बाप ने मेहनत की जो मुझे उस दिशा में सोचने का मौका दिया. तो सोनल, आप बहुत शानदार शख्सियत हैं और मैं जब भी आपसे मिलता हूं तो बहुत प्रेरणा हासिल करता हूं कि हमारे हरियाणा की छोरी, हमारी छोरी भाई, आप प्रेरणा हैं हमारे लिए. आप बड़े हैं और आपने एक शानदार काम शुरू किया, तो आप हमारे लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है. मैं जब भी मिलती हूं, मुझे एक मेरा एक आत्मीय रिश्ता है. वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो एक भाई निकलता है वो बहुत दिल से निकलता है. बिल्कुल. उसके लिए तो आप भी बधाई के पात्र हैं कि आप बहुत सारे युवाओं को प्रेरित करते हैं. न्यूज़वीक के माध्यम से वो मुद्दे उठाते हैं जिन मुद्दों की सच में ज़रूरत है. जो एक जाति विशेष अपने भीतर कई सालों से दबाए रखी, उन बातों को जब आप बाहर लेकर आते हैं तो इट्स लाइक बहुत बहुत आपके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बहुत पावर आपको भाई. बहुत बहुत शुक्रिया सोनल. मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो अपनी तरफ से ज़रूर करें. आप दिल्ली में रहती हैं, परिवार तो आपका हरियाणा में रहता है, अकेले रहती हैं, अभी अपना नया वेंचर भी शुरू किया, मीडिया का प्रेशर भी झेला,
तो बहुत सारे युवा आजकल घर छोड़ के अपने नौकरी पेशे के लिए, अपने पेशेवर ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं। अकेलापन भी बहुत होता है, घर की यादें भी बहुत आती हैं, तनाव भी होता है, डिप्रेशंस में भी लोग जाते हैं। तो किस तरह से मैनेज करते हैं अकेलेपन को, क्या चीज़ें प्रेरित करती हैं, क्या पढ़ते लिखते हो? क्योंकि ये मुझे लगता है कि एक ज़रूरी सवाल है हमारे बहुत सारे उन लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं और ज़िंदगी की भागदौड़ में थोड़ा थक जाते हैं कि यार बस बहुत हो गया। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में भागदौड़ अगर करते रहेंगे तो अकेलापन महसूस ही नहीं होगा। ये बात आपने खुद ही कह दी। भागदौड़ जब रखेंगे ना, व्यस्त रखेंगे ना जिंदगी को, अकेलापन लगेगा नहीं। लेकिन जब लगता है तो मैं उसको मी टाइम में तब्दील कर देती हूँ। अच्छा। कभी कभी ऐसा नहीं है कि आप हारते नहीं है, टूटते नहीं है, कोई कुछ बातें होती हैं जो डिस्टर्ब करती है। जब आप नौकरी छोड़ने जैसा फैसला लेते हैं या कोई और तकलीफ होती है आपको, तो आपको, आप अपने साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपको लगता है कि यस ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं वो आपको परेशान कर रही हैं भीतर से, तो मैं उसको मी टाइम में तब्दील कर देती हूँ। फिर गीत सुनिए, गज़लें सुनिए। मैंने भी कुछ थोड़े छोटे मोटे आर्टिस्टिक काम किए हुए हैं, तो मुझे लगता है मैं अपने ही वो काम देख लेती हूँ, या फिर कोई किताब पढ़ ली, गाने सुन लिए, अच्छा फूड इन्जॉय कर लिया। मुझे लगता है कि यूथ को बहुत ज़रूरत है अपने अकेलेपन को मी टाइम में तब्दील करने की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप अकेला फील नहीं करेंगे जब आप अपने साथ वक्त बिताना शुरू कर देंगे, और वो बहुत शानदार चीज होती है। फिर आपको चाय भी बस अपने हाथ की अच्छी लगने लग जाती है, फिर आपको लगता है कि चाय भी मैं बस अपने ही हाथ की पीऊं, तो वो अच्छा है। लव योरसेल्फ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ भाई। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं नहीं अफोर्ड कर पाती, फिर लगता है कि मैं शीशे के सामने जाके बोलती हूँ कि अरे अब की बार रह गया, मैं आपको बहुत जल्दी दिलवाऊंगी। अच्छा। मैं खुद बात करती हूँ, तुम आए जिस, मैं अपना सम्मान करती हूँ, अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। कोई चीज जो मेरी छूट गई, मैं अपने आप को कन्विंस करती हूँ, अरे सेकेंड टाइम मिलेगा आपको, नेक्स्ट टाइम आई विल bring it to you. So it's a really nice way. Yes, I love myself. मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है मैं अपने साथ वक्त बिताती हूँ। It's a quality time for me. मैं अपने साथ वक्त बिता पा रही हूँ बिना काम झंझावतों के। मैं गाने सुन रही हूँ, मैं मूवी देख रही हूँ, तो इट्स लाइक मेरा समय है ये। I'm loving it. So इसको ऐसे enjoy करना शुरू करना चाहिए यूथ को। अकेलापन लगता है, बहुत लगता है। लेकिन उस अकेलेपन को आप कैसे अच्छा बना सकते हैं, मी टाइम बना सकते हैं, और बहुत शानदार तरीके से सोनल ने बताया। चाय तो मैं आपको पिलाऊंगा, हो सकता है मेरे हाथ की चाय भी अच्छी लग जाए। नहीं भाई बिल्कुल, मैं, मेरी तो दिली तमन्ना है। हाँ, तो मैं अभी ये इंटरव्यू के बाद चाय आपको ज़रूर पिलाऊंगा। और बहुत बेबाकी से आपने अपनी बातें रखी सोनल, तमाम मुश्किल सवालों से जुड़े हुए जो मैंने कुछ पहलुओं को छुआ, आपने बहुत बेबाकी से उनका जवाब दिया, और हम बहुत उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत शानदार भविष्य हो। द चबूतरा को ढेर सारा प्यार। मैं अपने सभी दर्शकों से ही अपील करूंगा कि उसे सब्सक्राइब करें, और अपने परिवार और दोस्तों को भी कहें कि उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब कुछ बेहतर होता है तो उसके बेहतर नतीजे आते हैं। और जनहित की पत्रकारिता होगी, जनवादी पत्रकारिता होगी, तो फिर जो मनुवादी पत्रकार है उन पर भी प्रेशर जाता है कि अब तुमको कोई देखने वाला नहीं है, अब आ जाओ वापस लौट आओ जनवादी पत्रकारिता पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सोनल, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बातचीत में आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा, और दिल से बात की हमने। बहुत समय बाद दिल से बात करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। वो माइंडसेट नहीं मिलता है कि आप उस वाइब पे जाके बात कर पाए। हमने खुल के बात की और आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं न्यूज़वीक का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, आज़रा भाभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया अपने चैनल के लिए। और पूरे चैनल के सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। न्यूज़वीक को आप यूँ ही प्यार देते रहें, सम्मान देते रहें, सुमित भाई का के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, सोनल की बातें कैसी लगी, उस पर आप अपना जो राय है, अपनी राय कमेंट के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप ही हमारे प्रमोटर्स हैं। हम किसी बाकी लोगों के ज़रिए प्रमोशन नहीं करते, आप ही हमारे प्रमोटर्स हैं, इसलिए प्रमोट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चूँकि अब द न्यूज़ भी एक मिलियन हो गए हैं, तो हम उसकी भी आपको बधाई देते हैं कि आपने प्यार बनाया हमारे लिए और अपना भरोसा हम पर कायम रखा। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, फिर मुलाकात होगी। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ भी का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़पीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।